नमस्ते, पूजास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अरबी के पत्तों के पकौड़े या पात्रा बनाना दिखाऊंगी। अरबी के पत्तों के पकौड़े जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अरबी के पत्ते की सामग्री 8 से 10 अरबी के पत्ते, बेसन, ज्वारी का आटा और खट्टा वाला दही, राई, जीरा, हल्दी, हींग, सफ़ेद वाले तिल, नमक, लहसुन, हरी मिर्ची की पेस्ट, सोडा, चीनी और 8 से 10 करी पत्ते और रिफाइंड ऑयल। सबसे पहले बेसन के आटे में 2 टेबलस्पून ज्वारी का आटा लीजिए। उसके बाद 3 टेबलस्पून उसमें दही मिला लीजिए। उसके बाद उसमें हल्दी, हींग, स्वादानुसार नमक, हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट, चुटकी भर सोडा खाने वाला और स्वादानुसार चीनी, फिर उसमें 2 टेबलस्पून तेल डालिए रिफाइंड वाला। फिर उसको सब सामग्री को एक सार मिला लीजिए। फिर उसके बाद उसमें पानी डाल के एक सार पेस्ट बना लीजिए। फिर उसके बाद वो पेस्ट ऐसे पत्तों पे डाल के उसको एक सार कर लीजिए। पूरे पत्ते को पेस्ट से कवर कर लीजिए। उसके बाद उसके ऊपर और एक पत्ता रख लीजिए। फिर उसी तरह पेस्ट धीरे धीरे लगाते रहिए। पूरी तरह इकसार लग जाना चाहिए बेसन। उसके बाद और एक पत्ता लीजिए, उसके ऊपर वापस उसी तरह पेस्ट लगा लीजिए। पूरा लगाने के बाद उसको रोल बना लीजिए टाइट टाइट। और इसी तरह हम पूरे पत्ते का रोल बना लेंगे। इसी तरह पेस्ट लगा के सब पत्तों को एक सार कर लीजिए। उसके ऊपर दूसरा पत्ता रख के वापस उसी तरह कर लेना है। ऐसे ध्यान रहे कि पूरी तरफ बेसन का घोल लग जाना चाहिए। और फिर तीसरा पत्ता लेके उसके ऊपर रख के वापस वही प्रोसीजर दोहराए। कोई कोना छूट ना जाए। हाँ, उसके बाद रोल बना लीजिए। इसी तरह पूरे पत्तों को बेसन लगा के उसका रोल बना लेना है। इस तरह से पूरे अरबी के पत्तों को एक सार कर लेना बेसन लगा के। उसके बाद स्टीमर में 15 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रख देना। इस तरह से
उसके ऊपर और ऐसा पूरा जमा के स्टीम के लिए रख दीजिए। पंद्रह मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रख दीजिए। पंद्रह मिनट होने के बाद स्टीमर को खोल के चेक कीजिए। इस तरह से चक्कू की नोक डाल के देख लेना कि अगर उसको बेसन चिपकता है क्या नहीं। अगर नहीं चिपका बेसन तो समझ जाना कि अपने पकोड़े बन गए। उसके बाद ठंडा होने के बाद इस रोल के छोटे छोटे टुकड़े कट कर लीजिए। छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ कट कर लीजिए। देखिए कितने सॉफ्ट बन गए हमारे पकोड़े। इसमें सोडा डालने से पूरे तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसमें तेल डालिए। तेल थोड़ा ज़्यादा ही लीजिए ताकि अपने जो पकोड़े हैं वो अच्छे सुनहरे हो जाए और कुछ-कुछित हो जाए। फिर उसके बाद उसमें राई डाल दीजिए। उसके बाद उसमें जीरा, फिर उसमें हींग डाल दीजिए, फिर थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। उसके बाद उसमें सफ़ेद तिल डाल दीजिए, ये खाने में स्वादिष्ट रहता है। उसके बाद उसमें करिया पात डाल दीजिए। एक साथ हिलाने के बाद उसमें अरवी के पकोड़े डाल लीजिए। अच्छी तरह से एक साथ मिला लीजिए और फिर इसको 15 मिनट लगातार भूनते रहिए। जब तक तब तक कि इसको सुनहरा कलर ना आए और इसमें एक करारापन ना आ जाए। 10-15 मिनट के बाद उसमें करारापन आ जाएगा। इस तरह से करारे करारे बन गए हैं अरवी के पत्तों के पकोड़े। अब गैस को ऑफ कर देना। इस तरह से हमारे बन गए करारे वाले अरबी के पत्तों के पकोड़े। खाने के लिए तैयार है।